बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। लेट्स डिस्कनेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड अस। सिट कंफर्टेबली, ले डाउन इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। हम हर काम करने से पहले उसकी तैयारी करते हैं। घर से बाहर जाना है तो हम तैयार होते हैं। खाना बनाना है तो उसकी तैयारी होती है। बच्चों ने स्कूल जाना है तो बैग बनाते हैं, किताबें रखते हैं, कपड़े आयरन किए जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हम उसकी तैयारी करते हैं। अगर हम सोने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी अपना बिस्तर तैयार करते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं, बिस्तर को साफ करते हैं, हाथ मुंह धोकर दांत साफ करके सोने की तैयारी करके फिर बिस्तर पर जाते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हम सोने से पहले अपनी पुरसकून नींद के लिए तैयारी करते हैं? क्या हम अपने दिल को सोने के लिए तैयार करते हैं? आजकल की जिंदगी में हम जिस्म से ज्यादा दिल से थकते हैं। गहरी और पुरसकून नींद के लिए दिल का पुरसकून होना बहुत ज़रूरी है। पैसों से बिस्तर खरीदा जा सकता है मगर नींद नहीं। आइए आज हम पुरसकून नींद की तैयारी करते हैं। अपना ध्यान हर तरफ से हटाकर अपनी तरफ कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को बाहर निकालते हुए अपने अंदर तमाम नेगेटिव ख्यालात को, हर किस्म की नेगेटिविटी को निकलते हुए सांस के साथ बाहर निकालिए। अपने जिस्म को हल्का कर लीजिए। अपना ध्यान अपने माथे के बीच शाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइट की तरफ लाइए। खूबसूरत चमकती हुई रोशनी अपने माथे के दरमियान महसूस कीजिए। अपने आप को बताइए कि मैं अपनी सोचों की मालिक हूं। मैं ताकतवर हूं। मेरी रूह कुव्वत वाली है। आई एम
पावरफुल सोल। मैं इस दुनिया में अपना किरदार निभाने आई हूं। मैं अपनी रूह की मालिक हूं। आज मैं एक नज़र अपने आज के सारे दिन भर के रोल पर डालती हूँ। जो जो मैंने किया सुबह आँख खुलने से लेकर रात तक, मैंने जो देखा जो सोचा जो सुना जो पढ़ा, उन तमाम चीज़ों पर नज़र दौड़ाती हूँ। आइए देखते हैं हमने आज क्या किरदार निभाया। सारा दिन मेरे दिल की क्या सूरत-ए-हाल रही, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, मेरे अल्फाज कैसे थे, मेरा हर अमल कैसा था। सारे दिन में बहुत से लोगों के साथ इंटरैक्ट किया, मैंने बहुत कुछ देखा, पढ़ा, सुना, मेरी सोचों, मेरे दिल, बिहेवियर और मेरे अमल पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा। आज मैंने किसी को जाने अनजाने में कोई दुख कोई तकलीफ तो नहीं दी। अगर आपको अपने पूरे दिन के किसी सीन में ऐसा महसूस हो कि आपकी वजह से किसी के दिल को किसी की रूह को तकलीफ पहुंची, तो आप उससे माफी मांगिए, उसे अपने सामने इमेजिन करके सॉरी कहिए, माफी मांगिए दिल से। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि कहीं किसी की कोई बात, किसी का कोई बिहेवियर, किसी का कोई अमल आपको दुखी तो नहीं कर गया। आपकी रूह, आपका दिल किसी के किसी अमल से बेचैन और बेसुकून तो नहीं हुआ। उसको भी अपने सामने इमर्ज कीजिए और उसे माफ कर दीजिए। उसके हर उस अमल पे जिससे आपको तकलीफ हुई, माफ कर दीजिए। अपने दिल के सारे बोझ अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। अपनी सारी तकलीफें, अपने सारे दुख अपने अल्लाह के हवाले कीजिए और बिल्कुल हल्के हो जाइए। महसूस कीजिए हमारा अल्लाह बिल्कुल हमारे करीब है, बिल्कुल मेरे पास है। उसकी कुव्वत, उसकी ताकत मुझे स्ट्रॉन्ग कर रही है, ताकत दे रही है,
मेरा रब मुझे मोहब्बत करने का सलीका सिखा रहा है। मुझ पर अपने नूर की बारिश कर रहा है और मेरे दिल में लोगों को माफ़ करने का तरीका सलीका और तौफीक दे रहा है। मैंने सबको माफ़ कर दिया और सबसे खुद भी माफ़ी मांग ली। मेरे अल्लाह के नूर की किरणें मेरे जिस्म के रोम रोम में समा रही हैं। मेरी रूह मेरा दिल पूरी तरह से पुरसकून हो चुका है। अब जबकि मैंने सबको माफ़ कर दिया और सबसे माफ़ी मांग ली, अपने रब को गवाह बनाकर, तो अब मेरे जिस्म की थकावट खत्म हो चुकी है। मैं अल्लाह के नूर को अपने हर हिस्से में महसूस कर रही हूँ। आई एम so peaceful and relaxed. Shab bakhair. Aap sab par salamti ho.